पाकिस्तान को वजूद में आए 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसा बीत चुका। इस दौरान मुल्क के असल हुक्मरान यानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट की रियासती पॉलिसियां बार बार बदलती रहीं। पहले रूस के खिलाफ अफगान जंग में अमेरिका का साथ देने के लिए पाकिस्तान में जिहादी फैक्ट्रियां लगाई गई। फिर 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका से मिलकर उन जिहादी फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए बार बार फौजी ऑपरेशन किया गया। ताहम पिछली 7 दहाइयों में जो पाकिस्तानी फैक्ट्री मुस्तकिल मिजाजी से चलती रही और इसकी पैदावारी सलाहियत में मुसलसल इजाफा हुआ, वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बनाने की फैक्ट्री है। पाकिस्तान में नाम नहाद रियासती मुफाद से मुख्तलिफ सोच रखने वाले मुहब वतन अनासिर को गद्दार करार देने की रविश कोई नई नहीं। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ना जाने कितने ही मुहब वतन आज़ाद जहन और जमहूरियत पसंद गद्दार करार दिए गए हैं। 7 दहाइयों से चलने वाली पाकिस्तान की गद्दार फैक्ट्री अभी तक बंद नहीं हुई, बल्कि इसकी पैदावार में गुजरते वक्त के साथ साथ पहले से कहीं इजाफा देखने में आया है। लेकिन कौमों की तारीख बताती है कि जिस देश में गद्दार फैक्ट्री की पैदावार में मुसलसल इजाफा होता जाए, वो मुल्क इंटेलेक्चुअली बांझ हो जाते हैं। मशरकी पाकिस्तान के हरदिल अजीज़ लीडर शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार करार दिए जाने से पहले ही मुमलकत खुदादाद में गद्दार फैक्ट्री कायम हो गई थी। तहम सानहा मशरकी पाकिस्तान के बाद इस फैक्ट्री की पैदावार में बेपनाह इजाफा हुआ। आज लातादाद सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और कौम परस्त गद्दार कहकर या तो मावराए अदालत मारे जा चुके हैं या जिला वतन कर दिए गए हैं, जबकि कई ऐसे हैं जिन्हें देश निकाला देने की तैयारियां की जा रही हैं। गद्दारी का तमगा अपने सीनों पर सजाने वालों में अक्सरियत बाज़मीर कौम परस्तों और आज़ाद ख्याल सियासदानों और सहाफ़ियों की है। अयूब खान के दस्ते रास्त अल्ताफ गौहर के बकौल, जिस वक्त भारत से मिलकर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की साजिश के इल्ज़ाम में अगरतला केस के किरदारों की पकड़ धकड़ शुरू हुई, तो शेख मुजीबुर रहमान पहले से ही जेल में थे, मगर बरी फौज के सरबरा यहिया खान मुसर थे कि मुजीब का नाम भी मुलजमान की लिस्ट में डाला जाए। अल्ताफ गौहर के बकौल मुजीब का नाम अयूब खान के कहने पर मुलजमान की इब्तदाई फहरिस्त से निकाल दिया गया, मगर बाद में फिर शामिल कर दिया गया। इस मुकदमे ने मुजीब को बंगालियों का हीरो बना दिया। अयूब खान के खिलाफ तहरीक ने जोर पकड़ा तो बाद उस खराबी बसियार 19 फरवरी 1969 को अगरतला केस ना सिर्फ वापस लिया गया, बल्कि मुजीब की सियासी बहाली भी करना पड़ी। मशरकी पाकिस्तान के साबिक गवर्नर वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद एहसन के मुताबिक बाद उस इंतखाबात 28 फरवरी 1971 को मैंने शेख मुजीब को बुलाया। शेख ने पूछा कि क्या असम्बली का अजलास गैर मुजदा मुद्दत के लिए मुलतवी होने जा रहा है। मैंने कहा कि खदशा यही है, ताहम ये मुख्तसर मुद्दत के लिए ही मुलतवी होगा। लेकिन मुजीब ने कहा कि उसे यकीन नहीं, पाकिस्तानी हुकाम उसे तबाह करना चाहते हैं और पाकिस्तान को भी सलामत नहीं रखना चाहते, लेकिन तारीख फैसला करेगी कि इस तबाही का इल्ज़ाम किस पर धरा जाए। जब सन 1946 में हिंदुस्तान की अबूरी काबीना बनी तो जिना साहिब ने जिन 5 मुस्लिम लीगी वज़रा के नाम वॉइसराय लॉर्ड वेवल को भिजवाए थे, इनमें दलित सियासतदान जोगिंदर नाथ मंडल का नाम भी था। ये मंडल ही थे जिन्होंने सिलहट के रेफरेंडम में दलितों के वोट पड़वा कर सिलहट को पाकिस्तान में शामिल करवाया था। 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के पहले इजलास के सदर भी जोगिंदर नाथ मंडल ही थे। वो पहली काबीना में कानून और मेहनत के वजीर रहे। जिना साहब की वफात के बाद करारदादे मकासद की मंजूरी से मंडल साहब अकलीतों के मुस्तकबिल के बारे में दिलचस्पा होने के बावजूद हुकूमत में शामिल रहे। पीर अली मोहम्मद राशदी रुदादे चमन में लिखते हैं कि चौधरी मोहम्मद अली जब पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के सेक्रेटरी जनरल बने तो इन्होंने निजी महफिलों में वजीर कानून की पाकिस्तानियत पर शुबा जाहिर करना शुरू कर दिया और अहम फाइलें वजीर कानून के मुलाहजे के लिए भेजना बंद कर दी। मंडल ने वजीर आजम लियाकत अली खान को एक खत लिखा और फिर काबीना से इस्तीफा दे दिया। चंद दिन बाद मंडल साहब खामोशी से कोलकाता भारत मुंतकिल हो गए और सन 1968 में खामोशी से ही चल बसे। इस दौरान किसी पाकिस्तानी को तौफीक न हुई कि मंडल साहब को मनाने की एक बार भी कोशिश करता। किसी सरकारी शख्सियत को तौफीक न हुई कि साहिर लुधियानवी, बड़े गुलाम अली खान या कुरतुल्लैन हैदर से पूछ लेता कि पाकिस्तान छोड़कर भारत क्यों जा रहे हो, दिल शिकस्ता मत हो, इस मुल्क को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सादत हसन मंटो भी यही तय करता करता मर गया कि पाकिस्तान में रहूं या ना रहूं। बाद लोगों ने बहुत कोशिश की कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी और फैज साहब भी पाकिस्तान से मुश्किल बोरिया बिस्तर लपेट लें, मगर दोनों की कौम प्रस्ताना ढिठाई आड़े आती रही। गफ्फार खान को बाद अज़मर जलालाबाद में दफन होने के बाद अशराफिया ने जबरी पाकिस्तानी के तौर पर कबूल कर लिया। जीएम सैयद और नवाब खैर बख्शमरी और अजमल खट्टक के साथ भी यही हुआ कि गद्दार कहा, फिर गुलदस्ता पेश किया और फिर गद्दार कहा। अब इनकी कब्र पर चादर चढ़ाने की इजाज़त है, मगर अकबर बुट्टी की कब्र पर नहीं। आज भी बलोचिस्तान के क्वायली इलाकों और सिंध के कौम परस्तों को गद्दार करार देकर कौमी सियासत को इनके लिए शजरे ममनुआ बनाने का सिलसिला जारी है। अब तब्दीली ये आई है कि गद्दार फैक्ट्री में सियासतदानों के अलावा दानिश्वरों, सहाफ़ियों, अदीबों, शायरों, फनकारों, हत्ता के मजहबी शख्सियात के सीनों पर भी गद्दारी के तमके सजा दिए हैं। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का पहला मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी गद्दार करार दिया गया और फांसी चढ़ा दिया गया। फिर इसकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो को भी गद्दार करार देकर रावलपिंडी की एक सड़क पर शहीद कर दिया गया। ताहम तारीख का सबसे कड़वा सच ये है कि आज दिन तक पाकिस्तान में अगर किसी शख्स को ट्रायल के बाद कानूनी तौर पर पाकिस्तान की किसी अदालत ने मुल्क आइन पामाल करने के जुर्म में आर्टिकल 6 के तहत गद्दार करार दिया है,
तो उसका नाम है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।